अब दोस्तों शुरू होती है 9 किलोमीटर लंबी टनल। स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरटेक तो इसमें वो मत करना लोग, जब तक जब हाँ नहीं नहीं वो पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं उनको ज़रूरी नहीं है देना, जब तक जगह नहीं मिले। ज़्यादा लगेगी, ऑलरेडी हम लोग बर्फ के पहाड़ के नीचे चल रहे हैं और यहाँ पर सरफेस नहीं आती है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। देखिए किस तरीके से ये टनल एक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है और साथ ही एक बड़े से पहाड़ के नीचे से हम निकल रहे हैं। प्रॉपरली इस टनल में वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन सब चीज़ प्रोवाइड किया गया है। बीच में इमरजेंसी मतलब साइड में आपके इमरजेंसी टनल भी है, इसका यूज़ इमरजेंसी के दौरान किया जा सकता है। ये टनल बनने से टूरिस्ट तो साथ ही साथ सेना के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है। अब ले पहुंचना बहुत आसान हो गया है, काफ़ी ज़्यादा समय बच रहा है। अब इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये टनल की खूबसूरती। ये टनल में ओवरटेक प्रोहिबिटेड है, यानी कि ओवरटेक आप नहीं कर सकते। 40 अधिकतम स्पीड है, बट फिर भी जो तेज बाइकर होते हैं या कार होते हैं उनको अगर आपको लगता है तो साइड दे दीजिए, बट बहुत ज़रूरी नहीं है। आप अपनी गति 35 से 40 रखिए। और जो साउंड होता है यहाँ बहुत गूंजता है, जैसा कि आपको लग रहा होगा, ऐसा लगता है पीछे गाड़ियाँ आ रही है, बगल से गाड़ी निकल रही है, बट पूरी जो आवाज़ है वो गूंजती है। और एक बात दोस्तों, इस टनल में रुकना मना है, बिल्कुल कहीं भी मत रुकिए, यहाँ रुक नहीं सकते आप। पूरा क्रॉस होने के बाद ही आपको यहाँ पर रुकना है। कर रहे हैं, देखिए शायद यहाँ नज़ारा बिल्कुल ही अलग होने वाला है, तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। आगे चलना ना, पार करो, यहाँ नहीं रुकना है, वो स्पॉट है। ये देखिए दोस्तों नज़ारा बिल्कुल अलग, और सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ रही है, इतनी प्यारी सफ़ेद लग रही है, देखिए रियली सरप्राइजिंग। मैं कह सकता हूँ मेरा ड्रीम, मेरा सपना पूरा हुआ। रियली मैं वीडियो में देखता था YouTube के, बट आज मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। और एक बात बताऊँ दोस्तों, अच्छी गर्माहट का एहसास हो रहा है, उसके बाद भी फीलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये देखिए ये डिस्टेंस आपको दिखा रहा है, तो चलिए